हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि मैम आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स का आप पूरा एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम उसको बार बार स्टडी कर सकें जब भी हमें इंटरव्यू फेस करना हो। तो इसीलिए मैंने उन बच्चों के लिए आज एक ऐसा सेशन बनाया है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और उनके टिप्स दिए हैं आपको कि क्या क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हो आंसर देते समय। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज आस्क टू यू, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ, और दे आस्क यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ देखिए, इसी तरह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है कि इस तरह से आप बता सकते हैं। कुछ टिप्स के साथ मैं बता रही हूँ। पहली टिप्स हैं आपके लिए, इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू, ही वॉन्ट्स टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है अपने बारे में बताने के लिए, आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, आप कहाँ से आए हो ये बताना है, और अपना क्वालिफिकेशन स्टार्ट करना है। आई हैव पास्ड माई 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड और MP बोर्ड एंड नाउ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। या फिर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया तो आप कह सकते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DAVV यूनिवर्सिटी और RGPV यूनिवर्सिटी। अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए अपने मार्क्स को आप बता सकते हैं, और लेटेस्ट में आप जो कर रहे हैं, जैसे आपने कोई क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन किया है तो उसको भी आप उसी में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज द इंटरव्यूअर विल आस्क यू द अनदर क्वेश्चन और विल आस्क यू इन अदर वे इफ़ यू हैव एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन और इफ़ यू हैव एनी स्किल्स इन योर हैंड। अगर आपके पास कोई स्किल्स है या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो अनदर क्वेश्चंस में भी आपसे पूछ सकते हैं, उसमें आप बता सकते हो। सो यू शुड स्टार्ट टू से थैंक यू एंड स्टार्ट अप विथ योर नेम। जैसे मैं एक एग्जांपल में यहाँ पर आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। और जिन बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ, तो वो लोग मेरे वीडियोस को पॉज करके इन सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। आप अपना नाम ऐड करके इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप मिरर के सामने। जैसे माई नेम इज़ रिया, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, आई हैव पास 12th फ्रॉम MP बोर्ड और CBSE बोर्ड, वॉट एवर इज़ योर यू कैन से। I am pursuing BA, BCom, BSc from DAVV University. I have completed advanced diploma in computer. यहाँ तक आपको बोलकर चुप हो जाना है। जितना आपका क्वालिफिकेशन है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपका है आप उसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस कंपनी। ये जनरली सभी कंपनीज वाले पूछते हैं कि आपको हमारी कंपनी के बारे में किसने बताया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं बाहर और हम कोई पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी क्वेरी रहती है कि यहाँ तक जो कैंडिडेट पहुँचा है वो किस सोर्स से पहुँचा है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस कंपनी। तो आपको टिप्स मैं दे रही हूँ, आप किस तरह से बता सकते हो। टेल हाउ डू यू हर्ड अबाउट द जॉब, आपने कैसे इस जॉब के बारे में सुना है। वेयर इट वॉज, थ्रू फ्रेंड्स, इन एनी इवेंट यू लिसन और यू रीड इन एनी आर्टिकल और अ जॉब पोर्टल। हम लोग जॉब पोर्टल भी देखते रहते हैं, Naukri.com और Indeed और समथिंग, कुछ जॉब पोर्टल्स बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स सर्च करते रहते हैं जॉब्स और कंपनीज के बारे में। तो आपने जहाँ से भी वो चीज़ सुनी हो आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। दूसरा टिप मैं आपको बता रही हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, यू कुड एक्सप्लेन वॉट एक्साइट्स यू एंड अबाउट द पोजिशन एंड वॉट पर्टिकुलर कॉट योर आई अबाउट दिस रोल। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उस पोस्ट के लिए आप क्या विचार रखते हो, आप अपनी पोजीशन के लिए किस तरह से एक्साइटेड हो और आपने क्या व्यूज़ बना के रखे हुए हैं अपनी पोस्ट के लिए, आप उस कंपनी में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको उसमें भी मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, ठीक है। पहले उन्होंने पूछा हाउ डू यू नो अबाउट द कंपनी, आपको कंपनी के बारे में कैसे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, क्योंकि हम जहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं डेफिनेटली हमें उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए कि हम जहाँ काम करने जा रहे हैं इज़ इट कंफर्टेबल प्लेस फॉर अस,
इज इट द राइट प्लेस टू ज्वाइन, अगर हमारे लिए हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो राइट प्लेस है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ. शो दैट यू अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट द कंपनीज गोल, आपको कंपनीज के गोल्स के बारे में पता है, और यू कैन रीड ऑन द स्टेटस ऑफ अबाउट अस स्टेटस ऑफ कंपनी एंड यू कैन गिव द आंसर. और दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई यू बिलीव इन द कंपनी मिशंस एंड वैल्यूज, तो कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए आप उसको आंसर को कर सकते हो कि मुझे इस कंपनी में ये चीज़ें पसंद है इसलिए मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ. आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. और ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. भले ही कंपनी चेंज्ड हो, प्लेस चेंज्ड हो, लेकिन क्वेश्चंस सिमिलर ही होते हैं. तो आप अपने आप को किस प्लेस पे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स बना लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब. अभी आपको लग रहा होगा सब क्वेश्चन सिमिलर ही हो रहे हैं, लेकिन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंपनी वाले पूछते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए. डेफिनेटली जॉब हमें पैसा कमाने के लिए ही चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमें उस कंपनी में काम क्यों चाहिए, और उस जॉब को हम कोई भी काम को हम जब विलिंगली करते हैं तो उसको हम 100% करते हैं. तो आपको ये नहीं बताना है कि ये जॉब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, आपको बताना है कि यू कैन शो दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा लगन है, आप बहुत दिल से ये काम करना चाहते हैं. और यू कैन आइडेंटिफाई वाई द रोल इज़ ग्रेट फिट फॉर यू, आपने जो कैलिबर्स क्वालिफिकेशंस आप में हैं उसके अकॉर्डिंग ये जॉब रोल किस तरह से आपके लिए फिट है. और तीसरा, आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन वाई यू लव द कंपनी, आप उस कंपनी को क्यों पसंद करते हैं और इसीलिए आप उसमें जॉब करना चाहते हैं. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस को पूरा देखिए, और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप में इन क्वेश्चंस को लेकर के कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके. मैं और क्वेश्चंस इसके बाद लेकर आने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए, और जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू शुड गो थ्रू दिस ऑल क्वेश्चंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स. तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, और मैं ये भी चाहूँगी कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलें, और कुछ पिछले वीडियोज़ हैं जो इसी सीरीज़ में बने हुए हैं उन वीडियोज़ को भी आप देखें, जिससे आपको अच्छी क्लूज मिल सकें. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स. सो देखिए, नया क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई शुड वी हायर यू, हम आपको जॉब क्यों दें. भाई, आपने वैकेंसीज निकाली है इसलिए मैंने अप्लाई किया है, तो अगर मैं फिट हूँ तो आप मुझे जॉब दे सकते हैं, इस तरह का आंसर आपका हो सकता है. बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स टू गिव द आंसर्स. क्या टिप्स हो सकती हैं, यू शुड प्रूव थ्रू योर वर्ड्स दैट यू कैन नॉट ओनली डू वर्क बट कैन डेफिनेटली डिलीवर एक्सलेंट रिजल्ट. आप केवल काम ही नहीं करेंगे, आप कुछ अच्छा रिजल्ट भी देंगे कंपनी को, इसलिए कंपनी आपको हायर कर सकती है. ये आप एक आंसर दे सकते हैं. और अनदर आंसर आपका हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाई यू वुड बी अ ग्रेट फिट विद द टीम एंड वर्क कल्चर. आप किस तरह से टीम के लिए एक ग्रेट फिट हो, और उस कंपनी के कल्चर के लिए भी आप में किस तरह से कैपेबिलिटीज हैं, आप में क्या गुण है इसलिए वे आपको हायर करें. तीसरा, आप बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन व्हाई यू शुड बी चूजन ओवर एनी अदर कैंडिडेट्स. बाकी के कैंडिडेट्स के अलावा आपको क्यों चूज किया जाए, आप अपनी क्वालिटीज को वहाँ कंपनी की पोस्ट के अकॉर्डिंग फिट करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ये क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मैंने इन कंपनीज में काम किया हुआ है, तो मैं आपकी कंपनी के लिए ज़्यादा फिट हूँ इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं. देखिए, सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और पॉज करके इसका आप एक नोट बनाते रहिए, ताकि आपको उसमें मदद मिले. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल स्ट्रेंथ. आपका
स्ट्रेंथ क्या है, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं आपसे, आपका पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल वीकनेस वे लोग नहीं पूछते हैं। तो जनरली लोग रटे रटाए आंसर्स देते हैं या फिर कहीं गूगल से सर्च करके उसको लिख देते हैं, लेकिन आपको अपने आप को जज करना है कि आप में क्या ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है और आप कंपनी को किस तरह से उसका बेनिफिट दे सकते हैं। तो यू कुड से बी ऑनेस्ट, शेयर सम ऑफ योर रियल स्ट्रेंथ्स दैट आर रिलेवेंट टू द पोजिशन यू आर अप्लाइंग फॉर। आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप वहाँ आपका फिर से कैलिबर और एक्सपीरियंस को उसमें ऐड कर सकते हो। और यू कैन प्रोवाइड द एग्जाम्पल्स आर हाउ यू हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस स्ट्रेंथ, आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आई एम अगेन गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दी वीडियो वंस अगेन एंड सी ऑल दी टिप्स। आप सारे टिप्स को देखिए, हर क्वेश्चंस के लिए मैंने दो दो तीन तीन टिप्स आप लोगों को दिए हुए हैं। आप अपने कैलिबर और क्वालिफिकेशंस को उसमें फिट करते हुए अपने नोट्स बनाइए, और उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।